हेलो गाइस, मैं उराज और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है द सुपर डेवल। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे उन बातों को जो आपको मून नाइट सीरीज देखने से पहले पता होनी चाहिए, ताकि आप इस सीरीज का भरपूर मजा ले सके और अपने दोस्तों पर एक अच्छा इम्प्रेशन डाल सके। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो मून नाइट मार्वल की अपकमिंग सुपर हीरो सीरीज है, जिसमें 6 एपिसोड होने वाले हैं, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड हमें 30 मार्च यानी कि कल के दिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लगभग 12 बजे के आसपास देखने को मिलेगा। बात करें इस सीरीज की तो इसमें सस्पेंस, हॉरर और थ्रिल के साथ साथ हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा। और ये सीरीज लंदन में टेक प्लेस कर रही है, तो हमें इटर्नल्स मूवी में दिखे जॉन विटमैन, जो कि आगे चलकर ब्लैक नाइट बनता है, और इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट में ब्लेड को भी देखा था। और ये दोनों ही लंदन में थे, यानी कि अब ब्लैक नाइट, ब्लेड और मून नाइट तीनों की स्टोरी लंदन में ही चलेगी, तो हो सकता है वो दोनों भी हमें इस सीरीज में दिख जाएं। बात करें स्टार कास्ट की तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे मून नाइट, जिनका रोल ऑस्कर इसैक निभा रहे हैं। ये मून नाइट की डेब्यू सीरीज होने वाली, इसलिए ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। इसके लिए मैंने इसके ओरिजिन पर अलग से एक वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये वीडियो देखने के बाद उसे भी चेकआउट जरूर कर लेना। और अगर मैं हल्का फुल्का ओरिजिन बताऊं तो मार्क स्पेक्टर एक मर्सनरी होता है, जो कि अपने दोस्त रोल बुशमैन के साथ मिलकर एक आर्कियोलॉजिकल डिग पर जाता है। वहां पे बुशमैन और मार्क की आपस में फाइट हो जाती है, और बुशमैन उसे बुरी तरह घायल करके वही मरने के लिए छोड़ देता है। तब इजिप्शियन मून गॉड खोंशु उसकी जान बचाकर उसे अपना सर्वेंट बना लेता है और उसे मून नाइट की पावर देता है। इसके अलावा मार्क के साथ एक पंगा ये भी है कि उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिसकी जैसे वो कई आइडेंटिटीज रखता है और उसे खुद भी ये पता नहीं होता कि उसकी रियल आइडेंटिटी है क्या, जिसमें पहली आइडेंटिटी है खुद मार्क की, जो कि रात में मून नाइट बन जाता है, और दूसरी है प्लेबॉय बिलियनियर स्टीवन ग्रांट की, और तीसरी है सड़क पर घूमने वाले जैक क्लोकली, और चौथी है मिस्टर नाइट की, जो कि एक मिक्सचर है मून नाइट और स्टीवन ग्रांट की आइडेंटिटीज का। ऑलमोस्ट ये सारी आइडेंटिटीज हमें इस सीरीज में दिखने वाली है। और इसके अलावा ये सीरीज हमें मार्क के नजरिए से नहीं बल्कि स्टीवन के नजरिए से दिखाई जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं, इस सीरीज मेन विलन आर्थर हैरो होने वाला है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं इथन हॉक। पर अगर कॉमिक्स की बात करें तो आर्थर हैरो कोई बड़ा विलन नहीं है, ये बहुत ही कम समय के लिए मून नाइट का विलन रहता है। तो एक्चुअल में आर्थर को एक गंभीर बीमारी होती है, जिससे उसका पूरा चेहरा खराब होने लगता है और वो हर वक्त पेन में रहता है, और इसी के लिए वो ह्यूमन सब्जेक्ट पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, मगर मून नाइट उसे रोक देता है। पर एमसीयू में ये चीज थोड़ी अलग दिखाई गई है, क्योंकि मून नाइट के ट्रेलर में हमें एक बहुत ही अलग आर्थर हैरो दिखाया गया है। अब बात करें इस सीरीज की एक्ट्रेस की, तो इस सीरीज में हमें मेक लाउमी एज लायला एल फाउली दिखने वाली है, जो कि मार्क की बेस्ट फ्रेंड का किरदार निभाएंगी, और इनकी आवाज हम थ्रिलर में भी सुन चुके हैं, जब ये मार्क से फोन पर बात कर रही हो। इसके अलावा हमें इस सीरीज में रोल बुशमैन भी नजर आएगा, जिसका किरदार निभा रहे हैं लुइस मैबेंजा, और ये भी इस सीरीज में एक नेगेटिव रोल निभाएंगे। इन सब के अलावा हमें इस सीरीज में मिडनाइट मैन भी दिखने वाला है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं गैस्पर्ड यूलाइज। इसको आप मिडनाइट सन समझ के कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मिडनाइट सन एक अलग सुपर हीरो ग्रुप का नाम है, और ये है मिडनाइट मैन, जो कि एक चोर है जिसे एंटीक और प्राइसलेस चीजें चुराने का शौक है, और इसका ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये मैक्सिमम चोरियां मिडनाइट में ही करता है। और जाने से पहले अगर आप लोग इस चीज से परेशान हो कि मून नाइट बैटमैन की तरह ब्लैक सूट क्यों नहीं पहनता, तो इसका एक ऑब्वियस का रीजन ये है कि मून नाइट सफेद कपड़े इसीलिए पहनता है ताकि गुंडे उसे आसानी से देख सके और उससे वो सब डरें। तो इसी के साथ हम हमारी इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। आप लोग इस सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और घंटी के निशान को भी दबा देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एंड tune with the super devil, because devilness is necessary.